हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये क्या, ये आलू नहीं है, ये अरबी है, जिसको घुइया भी हम कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अरबी की ऐसी सब्जी बनाना बताऊंगी कि इसको आप चाहें तो ऐसे सूखा भी खा सकते हैं चाय के साथ। ये इतनी क्रिस्पी और इतनी बढ़िया बनती है कि इसको लोग से सूखा भी खाते हैं। उबाली वाली घुइयां किसी किसी को पसंद नहीं आती कि वो थोड़ी लसलसी सी हो जाती है, बट इसको आप बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी बनती है। बट आपको अगर उबली घुइया पसंद नहीं है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, वो भी इतनी क्रिस्पी बनती है कि आप लोगों की जैसे लिसलिसा जाती है, वो लिसलिसाती नहीं। उसका अगर आपको वीडियो देखना हो तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस घुइया को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और घुइया को फ्रेंड्स मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, फिर काट के भी मैंने 5-6 पानी से धो लिया था कि जब तक बिल्कुल क्लियर पानी नहीं निकलने लगा था। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमको ये अजवाइन डालनी है, कैरम सीड्स डालना है, हींग डालना है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसमें हमको अपनी ये घुइया को डाल देना है, अच्छे से चलाना है और हमको गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम करके इसको हमको भूनना है 2 मिनट तक। भूनने के बाद फ्रेंड्स इसको हम ढक देंगे जब घुइया के पकने तक, 1-2 मिनट तक पहले हम स्लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, इसका पानी जो हट जाएगा, फिर हम गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको ढक देंगे इसके पकने तक। फ्रेंड देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए हमने ढक दिया ना, देख रहे हैं अब हमारी घुइया, आप देख सकते हैं पूरी ये देखिए बढ़िया से पक गई है। आप कोई भी काट के देखेंगे, देखिए बढ़िया से पक गई है। अब फ्रेंड्स फ्लेम को हमको हाई मीडियम कर देना है क्योंकि अब हमें इसे खूब अच्छे से भूनना है। अब इसमें फ्रेंड्स हम ये 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएंगे, जिससे हम कहना इसको स्नैक्स कितने भी अगर आप खाएंगे तो चाय के साथ वो भी बहुत अच्छी लगेगी, और इसको पूरी के साथ खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। हम सर सबको अच्छे से मिक्स करके इसको हमको हाई मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल लाल लाल क्रिस्पी होने तक भून लेना। अगर आपको देखिए ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें ना पसंद हो तो आप इतने पे भी, देखिए हमारी पक गई है, इसमें हमने नमक मिर्च और खटाई मिलाई, अब आप इतने पे भी इसको खा सकते हैं। अभी तक फ्रेंड्स हमने नमक नहीं मिला था क्योंकि अगर हम पहले नमक मिला देते तो ये हमारा जो है घुइया जो है वो लस छोड़ देती, अजीब सी लिसलिसी सी हो जाती, देख रहे कितनी अलग अलग छिटकी छिटकी, इस तरह नहीं होती। अब इसमें लास्ट में हम सबसे अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिलाएंगे और अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे, जैसे मैंने बताया कि इसको भूनते हुए, अगर आपको इतनी ही क्रिस्पी खानी है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं मैं इसको अभी थोड़ा और क्रिस्पी करूँगी। इसको भूनते हुए हम खूब क्रिस्पी कर लेंगे जितना आपको पसंद हो, और इसका मज़ा आप पूड़ी के साथ उठाइए, चाहे पराठे के साथ या दाल चावल के साथ, या जैसा मैंने बताया इसको सूखा भी खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया लगती है। ऐसे चाय के साथ या ऐसे बैठे हैं, कब कुछ खाने का मन है, रोटी पराठा खाने का मन नहीं, तो आप इसको ऐसे सूखा भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है जब क्रिस्पी हो जाती है। तो फ्रेंड जब तक हमारी घुइया क्रिस्पी हो रही है, झट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अरबी की सब्जी या घुइया की सब्जी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 2-3 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी ये आप दे सकते हैं। देखिए ना कितनी बढ़िया हमारी सब्जी लग रही है बच्चों के टिफ़िन में, बच्चों को भी ये इस तरह वाली घुइया बहुत पसंद आती है। जिनको उबली घुइया नहीं पसंद होती उनको इस तरह से आप बना के खिलाएंगे तो ये घुइया उनको ज़रूर से ज़रूर पसंद आती है। देख रहे क्या बढ़िया लग रही है, आप चाहें इतने पर भी निकाल के इसको खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।